दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खुले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप सारे मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो इसी मॉर्निंग में अपना ब्लॉग खत्म करा था जैसे हम बस उतरते, अब उसके बाद सीधा मैंने सबसे पहले तो स्कूटी रेंट करी है क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव है, स्कूटी सस्ती पड़ती है। 1000 में 3 डेज के लिए हमें स्कूटी मिल गई। सबसे बेस्ट चीज़ ये है, स्कूटी रेंट करते ही सबसे पहले हम अपने हॉस्टलर आए, मतलब जो हमारा यहाँ पर हमारा स्टे है, इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस होती है और ये पूरा ऐसे रिफ्रेशन, मतलब यहाँ पर सब ऊपर रूम वगैरह है और सब बन के गया है, मतलब यहाँ पर हम आ गए। और उसके बाद पहले सबसे पहले मैंने मतलब यहाँ पर चेकिंग वगैरह करा, मगर 1 बजे की चेकिंग थी तो हमने पहले अपना ब्रेकफास्ट करा और बस उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करा, चिल करा ऊपर, थोड़ा बहुत जो इनका कॉमन एरिया है वहाँ पर थोड़ा बहुत चिल करा। सही है, इतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा, बट अच्छा है, कह सकते हो। और ये देखो इनका पूल है यहाँ पर, जो कि हम कल इन्जॉय करेंगे, बिकॉज अभी तो मैंने पहन लिए शॉर्ट्स और चप्पल, इसका मतलब अपन जा रहे हैं बीच पे। तो यहाँ पर बहुत सारे फेमस बीच है, सबसे पहले ओम बीच है जो हमारे बहुत पास में, और एक है हाफ मून बीच, और भी बहुत सारे बीच है। तो जो जो बीच मेरे को समझ आएंगे या दिखेंगे, मतलब जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ आपको भी ले जाऊँगा, आप भी देखना एंजॉय करना। और अभी हम चलते हैं सीधा स्कूटी पे। मैं अपनी भाई स्कूटी रेंट करी थी, दिखते ही के लिए होगा अपने पहले सबसे आगे चलो। यहाँ से एंट्री ओम बीची, ये सब बातें शॉप दिख गई हमें यहाँ पर, तो सामने समुंदर दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जा सकते आप, ऐसे वॉक करके ही जाना पड़ेगा, वॉक करके ही जाना पड़ेगा। वो देखो वेलकम टू ओम बीच, वहाँ से दिखता है ओम, वहाँ से दूर से कहीं से दिखता होगा ऐसे, मैं इंटरनेट से फोटो निकाल के डालता हूँ, मैं नहीं जा रहा ऊपर, कहीं से तो दिखता ही होगा। भाई पूरा ओम बीच छान लिया हमने, यहाँ से वहाँ तक पूरा एंड तक, खाने का नहीं है, सबसे आगे ही खाने का था, हम वो छोड़ आए। अब यहाँ से चलने में मेहनत लग रही है, अब वापस पूरा बीच वहाँ एंड में जाना बीच के। भाई खाने में मंगाया है हमने फ्राइड राइस, मंचूरियन और पास्ता, पानी के बोतल और स्प्राइट, बड़ा बड़ा खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। फिर चलेंगे हम पानी के अंदर, अब जा रहे हैं हम पानी के अंदर, पेट भरा हुआ है, थोड़ा सा हल्का होंगे उसके बाद जाएंगे पानी के अंदर, उसके बाद जाएंगे पानी के अंदर। मक्खियाँ बोलते हैं यहाँ पर यार, ये होम बीच और हम जा रहे हैं कुंडली बीच अब, क्योंकि यहाँ से सनसेट नहीं दिखेगा, देखो सन इधर है और साइड होगा तो दिखेगा नहीं अच्छे से, तो वहाँ पर जा गया और वहीं पे ना। तो भाई ये है कुंडले का रास्ता, कुंडले बीच का, कुंडले ऐसी कुछ प्रनाउंस नहीं कर पा रहा शायद मैं, ऐसी कुछ जगह नीचे लिखा आ जाएगा वैसे तो। तो यहाँ पर सनसेट दिखेगा हमें, उधर तो दिख नहीं रहा था, हाँ यहाँ दिखेगा ना, देखो वहाँ नहीं दिखता, सही है डिसीजन, अच्छा है। और भाई बहुत नीचे जाना है लग रहा है मुझे। भाई ये है जो ये बीच बढ़िया है, यहाँ कोई भी नहीं, एकदम खाली है, और यहाँ सनसेट बहुत मस्त लगेगा, एकदम बढ़िया वाला सनसेट दिखेगा, ये देखो यहाँ सनसेट होगा जब, एकदम बढ़िया लगेगा। और पूरा देखो खाली बीच है एकदम, ओम बीच बहुत फेमस है इसलिए बहुत भीड़ रहती है उधर, यहाँ एकदम खाली, यहाँ कम लोग आते हैं। चलते हैं अपन भी थोड़ा से पानी के अंदर, बड़ा हो गया रेडी पानी में कूदने के लिए। भाई क्या क्या समुंदर चीज,
तुम्हारे भाई का सेंड कर। सेंड कर तुम्हारे तुम्हारा एक सेंड कैसे मिली? डू सब्सक्राइब संजय सिंह चैनल। बोलना मत। भाई सेंड कैसल तो आधा टूट चुका है। देखो यहाँ से मेरी बोर्ड बोर्ड जो बनाया था वो यही बचा है। सो सैड। बहुत मेहनत करी थी मैंने बनाने के लिए। भाई सनसेट का टाइम हो चुका है और अपन एक रेडी है, सनसेट देखेंगे। पोछ पोछ लिया है सब कुछ बढ़िया करके। सनसेट का टाइम ही है, वहां जाके बैठते हैं कहीं पे आराम से, अपना गोबर रख के टाइम लैप बनाते हैं। और आप भी एंजॉय करो इस सनसेट को भाई साहब, क्या खूबसूरत है यार, देख लो, मजा आ जाएगा देख के आपको भी। हाँ भाई इतनी प्यारी चल रही है, मजा आ गया भाई। बहुत देर से पानी में थे, अभी मजा आ रहा है। टाइम लैप बन रहा है इधर और देखो कितना खूबसूरत है, क्या मस्त जगह है यार। बस इस पल को ही तो एंजॉय करना है। एक खूबसूरत है सनसेट के साथ हैज सीन का मजा। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बहुत गंदा है। हम वहां से आ गए थे 7-8 बजे तक आ गए थे, शायद 7-8 बजे तक आ गए थे। और उसके बाद बस फ्रेश फ्रेश हुए, बहुत ज्यादा मिट्टी थी शरीर के अंदर, सब साफ करी, अच्छे से दोबारा नहाना पड़ा है और कपड़े भी साफ करे हैं रगड़ रगड़ के। अभी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और खाना भी खा लिया है, डिनर भी कर लिया और मैं थक चुका हूँ बहुत ज्यादा। हाँ तो मैं सो रहा हूँ, तो इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। कल का रूटीन थोड़ा सा ज्यादा ऐसे भयंकर वाला नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ करेंगे तो वही देखेंगे। आपको मिलते हैं कल। बाय।